हमारे भाई जॉन रैम्बो और सह प्रभावी उनसे सीरियसली जब जो है ना मैं वहाँ पे जाऊंगी उनसे मिलूंगी है मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा। उसकी वीडियो चल रही थी, मैं वीडियो तो देखती हूँ डेली की, उनकी वीडियो चल रही थी तो मैंने इसे कहा कि यार कमेंट तो कर। जब भी मैं कमेंट करता हूँ वो रिप्लाई देते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है माशाल्लाह, वरना ये ऐसे सुपरस्टार कहाँ पे तवज्जो देते हैं। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। मैं आ रही हूँ आपके पास बहुत जल्द इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अल्लाह ताला के हुक्म से मुलाकात हो। तो वहाँ पे जो वीडियो रैम्बो भाई ने बनाई थी तो वो जगह दिखा रहा, मुझे फौरन वही बात याद आ गई कि रैम्बो भाई ने कहा कि इस जगह पे मैं हमने शूटिंग की। आज बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं हम। इस गए बिचारी को क्यों बांधा हुआ है इस तरह? इसका दूध लिया है, मुझे ऐसे लगता है उनको याद भी नहीं। ये कुछ लकड़ियां यहाँ से उठा ले, मेरा इरादा है थोड़ी सी लकड़ी उठा। बच्चों ने स्कूल जाना है, अब हमें जो है ना जल्दी जाना पड़ेगा घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वाफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, आप सब बहन भाइयों की दुआ से आपका भाई अल्ताफ काफ़ी बेहतर है। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जब औलाद अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। मुझे पता चल गया था आपका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, जहाँ भी खुश रहें आबाद रहें, हमें दो में याद रखें, हंसते मुस्कराते रहें, बिल्कुल हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला सबको अपने सामान में रखे, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे, अल्लाह ताला जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए, और जो इस टाइम खुशहाल जिंदगी है अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में ऐसे खुशियाँ दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश रखे। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है वीडियो को कम्प्लीट देखना है, सकीप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। आज बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं हम हनीफ भाई वालों को। हाँ जी, हाँ उनको एक और सरप्राइज है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की जात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। पहले भी उनको सरप्राइज मिला है और उसके बाद दूसरा सरप्राइज हम देंगे उनको। आपको भी पता नहीं, इसको भी मैंने नहीं बताया अभी तक। मेरा दिल जो ना वो धक धक कर रहा है कि क्या खुशखबरी है, क्या सरप्राइज है, कौन सी ऐसी बात है। आपको भी अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा। मैं बाजू चेंज कर लूं, अभी मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा है, ज्यादा देर जो है ना मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ा रहा था। क्यों मैं इधर आई थी बर्तन ढूंढने के लिए, मैंने समझा कि आपको पता है बर्तन इधर है कि जाकर बर्तन ले, मैं तो ये समझ कर आके पीछे चली आई। अच्छा, हाँ ठीक है। वो ना बर्तन इधर हैं, कुछ छबियां वगैरह इधर हैं, भाई जो ना उधर ही बैठकर खाना खाते हैं ना, तो फिर वो जब बच्चे बर्तन लेने के लिए जाते हैं तो वो हमारे बर्तन भी साथ लेकर इधर आ जाते हैं। चले आज हम फिर बर्तन ढूंढ लें, इकट्ठे चलते हैं। मैं तो वैसे चहल पहल कर रहा था क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना थोड़ी बहुत वॉक कर लेनी चाहिए, ज्यादा तो मैं नहीं चल सकता।
बस थोड़ा बहुत मैंने सोचा चहल पहल कर लो। अच्छा किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना आपके भाई की तबीयत कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला ऐसे जो है ना आपके भाई को हंसता मुस्कराता रखे, अल्लाह ताला इसे कोई दुख ना दे, कोई परेशानी ना दे, कोई तकलीफ ना दे, क्योंकि इसके साथ हमारी दुनिया अच्छी है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आ जाओ फिर, इधर सब अपना काम वगैरह कर रहे हैं जी, उधर तंदूर गरम हो रहे हैं उस साइड पे, तो वो भी आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं। ठीक है, क्या करन दी बैठी बख्तावर, खेड दी बैठी है। वाह भी वाह, इधर जी खेला जा रहा है मट्टी के साथ, क्योंकि बच्चों की अपनी मौजें होती हैं। और ये देखें जी तंदूर, इधर एक अभी गरम हो रहा है, दूसरा वो तंदूर है जी वो ऐसे पड़ा है, इसमें जो है ना वो गोबर वगैरह जो गुए हम बोलते हैं वो इसके अंदर डले हुए हैं, और तिल्ली की लकड़ी वो भी डली हुई है। इस गए बेचारी को क्यों बांधा हुआ है इस तरह, इसका दूध लिया है, मुझे ऐसे लगता है उनको याद भी नहीं है, भूल गए अभी तक वो बांधी हुई है बेचारी। ठीक है, काम चेक करें जी इनके, अभी तक बंदी हुई है, अभी दूध निकालना है मेरे ख्याल में। हाँ दूध निकालना है, इसे ढंगा डाला हुआ है, बांधा हुआ है टांगों से, इसलिए तंदूर जो है ना आज जलने का नाम भी नहीं ले रहा। ये कुछ लकड़ियाँ यहाँ से उठा ले, मेरा इरादा है थोड़ी सी ये लकड़ी उठा लेती हूँ। हाँ तिल्ली की कुछ ये गट्टियाँ उठा ले, और ये जंतर का बालन भी पड़ा है बालन। कुछ बर्तन मुझे मिल गए हैं, कुछ बर्तन अभी तक नहीं मिले, चले मैंने कहा वो बाद में देख लूंगी, बच्चों ने स्कूल जाना है, अब हमें जो ना जल्दी जाना पड़ेगा घर की तरफ। ओके हो गया, हाँ आ जाए, चले जी। तंदूर बहुत तंग करता है सुबह के टाइम, शाम को तो तंग नहीं करता इतना। नहीं शाम को नहीं तंग करता, शाम को जो ना ये शापर कचरा वगैरह, वैसे जो सुबह होते हैं ना कचरा वगैरह वो हम सारा ख़त्म कर देते हैं, और फिर जो ना शाम को कचरा होता है फिर हम वही उठाते हैं, उसी से आग जलाते हैं, अगर ज़्यादा हो तो बंदा उठा के किसी जगह पे रख देता है महफूज जगह पे, क्योंकि शबनम होती है ना, ये आपके सामने देखिए चावलों के ऊपर कितनी शबनम है। हाँ जी ये देखें, काफ़ी शबनम भी पड़ रही है, लेकिन गर्मियाँ जाने का नाम भी नहीं ले रही, गर्मियाँ बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही है हमारा। बिल्कुल पक्की बात है, गर्मियाँ जो है ना गर्मियाँ हमें काला कर रही हैं। वो कोई मसला नहीं है काले हो ना हो, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब देखते हैं जी, हबीबुल्ला कोशिश कर रहा था बेचारा, कचरा वगैरह ले आया और शापर ले आया, पता नहीं वो जलाया हुआ है या अभी तक बैठा है, काफ़ी जो है ना परेशान कर रहा था तंदूर, अभी तक बेचारा बैठा है तंदूर के ऊपर। दिखाता हूँ आप सबको, कुछ ऑफ कैमरा है ना इधर, इसलिए मैं इस साइड पे फिर आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हबीबुल्ला बेचारा कब से बैठा है तंदूर के ऊपर, सलाम दुआ भी कर ले हबीबुल्ला स्लो स्लो से। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, क्योंकि इसे जना बेचारे को आग ने सुबह से परेशान किया है, लेकिन हबीबुल्ला पीछे नहीं हटा, हिम्मत नहीं हारी, बैठा है तंदूर के ऊपर जलाता रहा, कि इसे उम्मीद थी कि कभी ना कभी ये जल जाएगी। हिम्मत जो नहीं हारता ना वो मार भी नहीं खाता, वो नाकाम भी नहीं होता, वो कामयाब एक ना एक दिन जरूर हो जाता है। देखिए ये मैंने अपनी जिंदगी में मैंने ये देखा है, जब किसी के बारे में इंसान बुरा सोचता है तो उसके साथ बुरा होता है। बिल्कुल, जो अच्छाई का सोचता है किसी के बारे में तो अल्लाह ताला उसका साथ देता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। बस ये जो ना जल जाए, नहीं अब जल जाएगा, अब जल जाएगा, अब ये पकड़ रही है लकड़ियों को। हबीबुल्ला आप इधर आ जाओ बेटा, आपको गर्मी हो रही होगी, आप उधर जाके बैठ जाओ बेटा, बस आग जल चुकी है। अच्छा मैं फिर नहा लूं, ठीक है आप नहा लें जल्दी जल्दी। अच्छा वो आज क्या खाएंगे, रात भी आपने कुछ नहीं खाया, बस दो केले खाए थे आपने, कल दोपहर को खाना खाया था वहीं मुजफ्फरगढ़ में, उसके बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, और बस रोटी खाऊंगा, और किसी भी चीज़ पे दिल नहीं है खाने को बिल्कुल। अच्छा रोटी खाएंगे ना आप, लस्सी के साथ खा रहे हैं। हाँ लस्सी के साथ सुरख लूँगा, हाँ। तो मैं पहले नहा लूँ, क्योंकि मेरी आदत है सुबह के टाइम
अगर मैं ना नहाऊं तो पूरा दिन तबीयत अजीब सी महसूस होती है। हाँ जी, क्योंकि तिल्ली की लकड़ी है ना, ये जल्दी इनको आग पकड़ती है। आटा मैं ले आई हूँ और तंदूर भी गर्म हो चुका है, बस एक लकड़ी जल रही है। भाभी को बुलाते हैं और भाभी और मैं जो ना इकट्ठे बैठकर रोटी बनाएंगे। और आपके भाई ने भी नहा लिया, अब ये अपने जो है ना बाल खुश्क कर रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह नहा लिया मैंने, अभी तंदूर गर्म हो रहा है। हाँ बस थोड़ी सी देर है, आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाएं, क्योंकि आप ताज़ी ताज़ी रोटी खाते हैं लस्सी के साथ। मैं रेडी हूँ बस। रेडी हो बस, रोटी नाश्ता भी रेडी है। ओके ओके। अच्छा, वो कुबैब नहीं दिख रहा, वो किधर गया है पता है? मुझे क्या पता, मुझे लगता है वो किसी जगह अंदर छुप के सो गया होगा। उसे नींद जो है ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आती है, वो अंदर सो गया होगा। चले मैं नाश्ता बना लूँ, आप कंघे कर लो। नाश्ता आ चुका है जी, जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है तो जल्दी से आ जाए। बस मैं थोड़े से लुक में खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। ये है जी लस्सी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हमने कर लिया, जितना हमसे हो सका हमने कर लिया नाश्ता, अल्लाह का शुक्र है। वैसे ठंडी ठंडी लस्सी और मक्खन से मक्खी रोटी, और वो भी तंदूरी रोटी, माशाल्लाह वीआईपी, क्या ही बात है। और हबीब और खुबैब ने दोनों ने नाश्ता किया, नाश्ता करके मैंने समझा कि वो बैग उठाकर स्कूल चले गए, लेकिन वो स्कूल नहीं गए। मैं अभी अंदर गई तो मैंने देखा वो बैग वगैरह सब कुछ पड़ा था। फिर मैंने आपके भाई को नहीं बताया, क्योंकि आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो टेंशन लेता है, फिर वो बीमार हो जाता है, इसी वजह से मैंने उसे नहीं बताया। मैं खुद जा रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि इधर जो है ना वो गोटियाँ खेल रहे हैं, अल्लाह करे कि दोनों इधर ही हों, तो फिर जो है ना आपके भाई को पता भी नहीं चलेगा। और मैं जो है ना जाकर वो इसको स्कूल भेजती हूँ। आवाज़ें आ रही हैं, हबीबुल्ला तो नज़र आ रहा है, खुबैब मुझे नज़र नहीं आ रहा। हबीबुल्ला गोटियाँ खेल रहा है और मैं बड़े घर पहुँच चुके हूँ, यहाँ पर मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। आपने स्कूल नहीं जाना था है? क्यों आप परेशान करते हो, क्यों तंग करते हो, क्या मसला है आपको? इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। खुबैब किधर गया पता नहीं है आपको? ये सुबह सुबह गंदे बच्चे ये खेलने के लिए आ जाते हैं, शर्म नहीं आती। इधर समाध खड़ा है, छुप रहा है, कैमरे की आंख आपको देख रही है, उल्लू के पट्टे। आओ स्कूल जाए, चले आ जाओ, इधर आओ। 8-9 तीन खुबैब किधर गया है? अपने खुबैब को भी मैं ढूंढती हूँ। हबीबुल्ला मुझे मिला था और खुबैब जो है ना वो नहीं मिला, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। आज वैसे जुम्मा है, जुम्मे के दिन जो है ना वो पढ़ाई नहीं होती, छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, पढ़ाई भी नहीं होती। वो खुबैब अगर होता तो फिर हबीब जाता, अकेला तो वो बेचारा नहीं जा सकता। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो है ना आगे गया हुआ है अपनी नानी अम्मी के घर। वो कहता होगा कि मैं आगे चला जाऊँगा तो फिर जो है ना अब वो मुझे नहीं ढूंढेगा। तो मैंने उसे बताया नहीं, अगर मैं उसे बताती तो फिर वो जो है ना जाता इसे ढूंढने के लिए। मैंने नहीं बताया, मैंने कहा वो पहले तकलीफ में है, फिर वो जब ढूंढेगा तो उसे गुस्सा आएगा, फिर वो तकलीफ बढ़ जाएगी, इसी वजह से मैंने उसे नहीं बताया। चले मैं घर पहुँच चुकी हूँ, मिलते हैं। मैं घर पहुँच चुकी हूँ और आपके भाई ने नाश्ता कर लिया था, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया था। और आपका भाई भी नाश्ता करके वो वाटर पंप पे जो है ना अपने हाथ धुलाई कर रहा है। और आज जो है ना इधर लंडा लगा हुआ है, वैसे इतना मैं कपड़े जहाँ पे भी देखती हूँ ना तो मैं ऐसे कह देती हूँ कि मैंने लंडा लगाया हुआ है। लंडा लगाया हुआ है आज जो है ना, लंडा लगा हुआ है हमारे घर। ये हमारे कपड़े तो नहीं है लेकिन लंडा लगा हुआ है। ये देखे काफी सारे कपड़े, इतनी सारे कपड़े, न्यू कपड़े। ये न्यू सूट है और ये भी न्यू सूट है, ये सब न्यू सूट है। 50-50 रुपए का सूट लगाया है मैंने, लेता कोई भी नहीं। मैं जितनी सस्ते कपड़े कहती हूँ कोई नहीं लेता ना। नहीं मैं सस्ते कपड़े बताती हूँ फिर तो ले लें, फिर भी नहीं लेते। नहीं ये सॉरी, ये कपड़े जो है ना इधर धुलाई करने के लिए आते हैं। हाँ ये क्या है? चीता बैठा हुआ है, चीता हो गया बेचारा, इसको उल्टा कर दिया। हाँ ये उल्टा हो गया, वैसे ये डराता था इसी वजह से मैंने उल्टा कर दिया, ताकि बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता मैंने कर लिया, आज भी रोटी खाई है मैंने लस्सी के साथ। हाँ लस्सी के साथ, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मजा दिया है रोटी ने लस्सी के साथ।
दिन हो गए रोटी नहीं खाई थी लस्सी के साथ। हाँ आज जो है ना लस्सी के साथ। बच्चे स्कूल चले गए। सीधी बात बताऊं? हाँ सीधी बात बताएं, रोटी ना। मैंने आपको इसी वजह से नहीं बताया क्योंकि आपको एक तो तकलीफ है, फिर आप छोटी छोटी बातों की टेंशन लेते हो। आज बच्चे स्कूल नहीं गए, हबीबुल्ला उधर गोटियां खेल रहा है और खुबैब जो ना मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी चला गया आगे। वो पता नहीं अपनी नानी अम्मी के घर गया है या इस बस्ती में गया, ये मुझे पता नहीं है। वो भी नहीं है, मैं गई थी बड़े घर तक, मैंने आपको नहीं बताया, आप अंदर बैठे थे, मैंने सोचा कि मैं उसे ढूंढ कर दोनों को स्कूल भेजती हूँ, आपको पता भी ना चले। लेकिन वो हबीबुल्ला तो बेचारा अकेला नहीं जा सकता था, फिर मैंने खुबैब को मैं कहाँ कहाँ ढूंढती, गर्मी बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी अल्लाह माफ़ करे, ये देखें एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी है, गर्मी जो है ना जाने का नाम भी नहीं ले रही, इसी वजह से फिर मैं क्यों टेंशन लेते हैं। अच्छा यार आज जुम्मा था, मैं 2-3 दिन स्कूल जाते हैं, 3-4 दिन वो छुट्टी करते हैं, बस क्या करें। वो ना असल में हम घर पे नहीं होते तो फिर इसी वजह से कुछ वो ये भी करते हैं, वो ऐसी छुट्टी भी नहीं करते, वैसे जाते हैं, कोई बात नहीं बच्चे हैं। अच्छा यार आज वो मस्जिद पर भी जाना था लेकिन मेरा बीपी जो है ना लो लग रहा है, लो हो रहा है ऐसे। अल्लाह पाक जिस्म के अंदर, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक दिमाग सुन सा महसूस हो रहा है। आप जो ना मैं सोच रहा हूँ कि आराम कर लो, आप आराम कर लें और शाम को फिर चले जाओ। हाँ सेकंड टाइम फिर इंशाल्लाह ताला ठीक है। हाँ शाम को आप हबीबुल्ला कहाँ पे है? उधर गोटियाँ खेल रहा है यार, इनको पता नहीं क्या हो गया। बस आप ना जाए उधर, एक तो आपको तकलीफ है, फिर गर्मी में आप जाएंगे तकलीफ आपकी और बढ़ जाएगी। मैं गई थी, वो बेचारा अकेला किसके साथ जाएगा, खुबैब का पता नहीं है वो किधर चला गया। पता नहीं ये गर्मियाँ क्यों नहीं जा रही, इतना ज्यादा तंग कर रही है ना, बहुत ज्यादा सीरियसली। हवा तो बिल्कुल नहीं है, अगर हवा चल रहा ना कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन हवा बिल्कुल बंद हो चुकी, बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, बड़े बदरा बद्र बला वत भी सामन होवे यार। बदरा गए पता नहीं केड़ा महीना है, असु तो कब का चला गया, अब असु कत्ते है, सराकी में कहते हैं असु कत्ते, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं इसको। हाँ उर्दू में पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं। चले अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ठंडी ठंडी हवा गुलाचा मेरा अल्लाह सोनी सोनी दे ठंडी ठंडी। अच्छा कल जो है ना, कल मैंने सुना था कि कल जुम्मा है तो बारिश आएगी, मैं कल खुश हो गई, मैंने कहा चले शुक्र है अल्लाह ताला का आज जो ना बारिश आएगी। लेकिन जब सुबह हुई तो बिल्कुल भी बाद, मैंने ऊपर देखा इस तरफ देखा उस तरफ देखा, मुझे जो ना एक अल्लाह ताला का निजाम है, अल्लाह ताला को पता है, ये साइंस भी फेल हो जाता है सारा कुछ, किसी को कुछ पता नहीं है, गैब का इल्म जो है ना वो अल्लाह ताला की जात जानती है, बेशक बेशक किसी को कुछ पता नहीं है, बेशक पक्की बात है। अच्छा आप जो ना बस टेंशन ना लें, आप मुझे पता चल गया कि आप जो ना बच्चों के लिए टेंशन ले रहे हो और सोच रहे हो कि मैं पीछे जाऊं। आप तकलीफ में हो, आप कहीं ना जाओ, आप जो ना थोड़ी देर आराम कर लो और फिर जो है ना इंशाल्लाह शाम को जो काम बचा हुआ है वो तख्ती भी लगानी है, तख्ती भी इंशाल्लाह लगाएंगे और मस्जिद भी आपने जाना है, ठीक है? हाँ क्योंकि आप थोड़ी देर आराम कर लेंगे ना तो आपकी तबीयत फिट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, जो बचा काम शाम को कर लेंगे। ओके हाँ तख्ती वो वैसे वो हमने काब की लगानी थी लेकिन टाइम भी नहीं मिला, इंशाल्लाह आज वो लगाएंगे इंशाल्लाह। वो किसके नाम की है? शाजिया फरूक सिस्टर। शाजिया फरूक सिस्टर की तरफ से जो वाटर पंप आया था ना तो उसी के नाम की जो ना वो तख्ती हमने अभी लगानी है। हाँ वाटर पंप काब का लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ वैसे भी हमने करवाई थी ऑफ कैमरा, लेकिन उसकी तख्ती अभी लगानी है, इंशाल्लाह वो भी लग जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हाँ तो मसरूफियात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और तबीयत भी अपसेट थी, इसीलिए जो है ना फिर नहीं लगा सकते। अच्छा वो मैं आपको एक बात कह रही थी, बात मेरी ये है अगर आप पूरी करेंगे तो इस तरह नहीं करनी, आप इधर आके खड़ी होंगी फिर कैमरे के सामने आपने बात करनी है जो भी। अच्छा जी इस तरह आप कैमरे के पीछे खड़ी होके। चलें जी मैं कैमरामैन मैं बुलाती हूँ, ठीक है फिर मैं आपको वो बात करती हूँ। चलें जी देखते हैं कौन सी बात कहने वाली है। हाँ सब मैं पूरी भी कर पाऊँ इंशाल्लाह, तो मेरी यही होती है कि कोई भी बात हो मैं पूरी करूँ इसकी और हर ख्वाहिश को पूरा करूँ।
देखते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी हर बात पूरी होगी। बात दरअसल ये है, मैंने इसे पहले भी काफ़ी बार कहा है लेकिन अब जो है ना इसे याद नहीं आ रही। मैंने कहा कि आप सोचें लेकिन फिर भी इसे याद नहीं आ रही। मैं कल से सोच रहा हूँ लेकिन अभी रिसेंटली आपने कोई ऐसी मुझे बात नहीं की ये मुझे। जब मैं आपको याद दिलाऊंगी ना आपको याद आ जाएगी, जब मैं कहूँगी ना ये बात है फिर आप कहेंगे हाँ याद आई। चले फिर बताए। मैं जो है ना आपके भाई को कब से कह रही हूँ कि मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है साहबा भाभी बाजी जो भी है उनसे मिलने का। याद है आपको? हाँ अब याद आ गया अच्छी तरह से। आ गया ना याद? क्योंकि काफी बार इसने मुझे कहा है हमारे भाई जान रेम्बो और साहबा भाभी उनसे बहुत ज्यादा इनका शौक है, बहुत ज्यादा इसकी जो है ना ख्वाहिश है कि मैं उनसे मुलाकात करूँ, उनसे मिलूँ कि आप कब मुझे मिलवाएंगे। सीरियसली जब जो है ना मैं वहाँ पे जाऊँगी उनसे मिलूँगी है मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा जब मैं साहबा से मिलूँगी। ये जी बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी फैन है, ये बचपन से उन्हें इतना हाँ। ज़्यादा पसंद करती है साहबा भाभी को बहुत ज़्यादा और ये मुझे अक्सर कहती रहती है कि प्लीज़ मेहरबानी करें मेरी मुलाकात करवाएं उनसे, किसी तरह हम उनसे मिलें। उसकी वीडियो चल रही थी, मैं वीडियो तो देखती हूँ डेली लेकिन उनकी वीडियो चल रही थी तो मैंने इसे कहा कि यार कमेंट तो कर दें, तो आपके भाई ने फिर वो कमेंट किया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जान रेम्बो भाई वो मुझे रिप्ले करते हैं और जब भी मैं कमेंट करता हूँ वो रिप्ले देते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है माशाल्लाह, वरना ये ऐसे सुपरस्टार कहाँ पे तवज्जो देते हैं किसी के कमेंट पे। तो जब भी मैंने कमेंट किया है तो वो उन्होंने फौरन रिप्ले किया है जब भी उसने कमेंट मेरा देखा। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। मैं आ रही हूँ आपके पास बहुत जल्द इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसका एक और शौक भी है किससे मुलाकात करने का, किससे मिलने का, हमारा जो लीडर है इमरान खान ये उसका भी मुझे कहती रहती है कि कब वो दिन आएगा जो मैं देखूंगी सीरियसली उनसे मिलेंगे। हाँ उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। मुझे जो है ना इन दो बंदों से जो ना मिलने का बहुत ज्यादा शौक है इंशाल्लाह। मैं अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश को पूरा करे, आमीन। हम दुआ करते हैं और हमारा भी दिली शौक है सीरियसली बहुत ज्यादा इमरान खान से मुलाकात करने का और जान रेम्बो साहबा भाभी इंशाल्लाह ताला अजीज बहुत ही जल्द अल्लाह ताला के हुक्म से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जरूर होगी जरूर, आप टेंशन ना लो। जब मैं मुल्तानी गए थे तो वहाँ पे जो वीडियो रेम्बो भाई ने बनाई थी तो वो जगह दिखा रहा था कि इस जगह पे हमने शूटिंग की, इस जगह पे हमने शूटिंग की, तो वो बता रहा था। जब हम वहाँ पे गए तो मैंने देखा, मैंने मुझे फौरन वही बात याद आ गई कि रेम्बो भाई ने कहा कि इस जगह पे मैं हमने शूटिंग की थी। लेकिन वो नक्शे तो चेंज हो गए, नक्शे वो तो नहीं रहे, लेकिन वो बता रहा था। फिर मैंने कहा सबको, मैंने कहा कि मैंने वीडियो देखी थी, रेम्बो भाई कह रहा था कि यही जगह है जहाँ पे भी हमने शूटिंग वगैरह करते थे। तो सीरियसली आपका व्लॉग भी मैं शौक से देखती हूँ। वैसे तो व्लॉग जब बिजी होते हैं तो सबके व्लॉग देखते हैं, कभी कभी कमेंट्स कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते। कमेंट्स करने का मुझे तरीका भी नहीं आता। ये बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, बस वीडियो देखती रहती है और जब भी मैं आता हूँ ये साहबा भाभी की वीडियो देख रही है। हाँ। बहुत अच्छी लगती है इन्हें और ये बचपन से दीवानी है साहबा भाभी आपकी। हाँ मैं मुझे जो ना अच्छा लगता है सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला किस्मत में होगा तो फिर मुलाकात जरूर हो जाएगी इंशाल्लाह, जरूर होगी। बस वैसे कहां के कोशिश करने से जो है ना सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अभी कोई उनका कन्फर्म नहीं है मुझे सीधी सी बात, जब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात भी हो जाएगी और हनी भाई को भी सरप्राइज देना तो वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि अभी मैं आराम करता हूँ, तबीयत तो काफी अपसेट लग रही है, ब्लड जो है ना वो लो लग रहा है मेरा। अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह ताला। आप सब बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है कि जल्द उनसे मुलाकात हो हमारी। मेरी ख्वाहिश थी मौलाना तारिक जमील से मुलाकात करने की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो मेरी ख्वाहिश पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका माथा भी चूमा, जैसे मैंने ख्वाब देखा था ख्वाब में मैंने माथा चूमा था, वो ख्वाब मेरा सच्चा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तारिक जमील से मैं फेस टू फेस ऐसे बैठ के मिले, बोसा किया उनकी पेशानी का और गपशप भी हुई। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये किस्मत में होगा तो आपकी भी मुलाकात हो जाएगी, टेंशन ना लो। हाँ मिल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें रखिए दो मिजाज फिलहाल के लिए। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।